Sir, सर बात करते हैं अभी ट्यूलिप गार्डन जो है उसमें बहुत भीड़ देखने को मिल रही है। SOPs की बात करें, SOPs भी अच्छे से हैं। तो अभी तक पहले ये जानना चाहते हैं कितने टूरिस्ट अभी तक आ रहे हैं बाहर से। देखिए जिस जहाँ तक ट्यूलिप फेस्टिवल का सवाल है, मैंने आपको उस दिन बताया 24 को जो हमारा ट्यूलिप गार्डन खुल गया है, बहुत सारे लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बिकॉज पैंडमिक की वजह से 2 साल लोग जो है कहीं जा नहीं पाए। अगरचे हमारा टूरिज्म सीजन जम्मू कश्मीर में खास से कश्मीर में काफ़ी अच्छा रहा इंक्लूडिंग विंटर्स में, तो लेकिन ट्यूलिप चूँकि हमारा एक ऐसी अट्रैक्शन है कश्मीर में जिसकी वजह से सुप्रीम जो है वो 1 महीना पहले ही एडवांस हो जाता है और इस वक्त सुप्रीम भी काफ़ी अच्छा जा रहा है। और मुझे बताया गया है कि पहले ही 3 दिनों में 35,000 के करीब जो है वो टूरिस्ट ने वहाँ विजिट किया है। और मुझे लगता है चूँकि सैटरडे संडे जो है इसमें काफ़ी रश रहता है, लोकल लोगों का भी रहता है और बाहर से जो टूरिस्ट अभी आ रहे हैं काफ़ी अच्छा फ्लो है। एंड आई एम श्योर दैट ट्यूलिप फेस्टिवल और ट्यूलिप जो बाकी एक्टिविटी आने वाले दिनों में टूरिज्म डिपार्टमेंट कर रहा है उससे और भी बस क्रिएट हो जाएगी। और जहाँ तक वहाँ रश का बाकी चीज़ों का सवाल है, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे लगता है बिल्कुल इंतजाम किए हैं और अगर कहीं कोई कमी पेशी होगी उसको भी ठीक है। सर कमी पेशी की बात करते हैं, वहाँ पर विभाग के वॉशरूम्स की कमी है, यहाँ तक पानी जो है पानी की कमी है, पीने की पानी की कमी है, तो उसके लिए जो आपने मेरी नोटिस में लाई है डेफिनेटली मैं फ्लोरिकल्चर से भी बात करूँगा और DC साहब से भी रिक्वेस्ट करूँ और टूरिज्म डिपार्टमेंट के जरिए से जो करना होगा क्योंकि अगर कहीं भी इस तरह की कमी हुई टूरिज्म डिपार्टमेंट इज रेडी टू डू इट। तो क्या आगे ऐसे फेस्टिवल्स और होगी जिससे लोग जो है और टूरिज्म? देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले भी यही बताया कि विंटर के बाद जो हमारा इस वक्त मेन सेलिब्रेशन है स्प्रिंग फेस्टिवल का, स्प्रिंग फेस्टिवल हमने सिर्फ महदूद नहीं रखा है ट्यूलिप तक बल्कि ये सेलिब्रेशन पूरा जब तक हमारा सीजन रहता है, चाहे वो बादाम के फूल हो, ट्यूलिप हो, उसके बाद इसी तरीके से वाइल्ड ट्यूलिप्स खिलते हैं वो अप्रैल तक कंटिन्यू रहता है। ये पूरा सीजन 1.5 महीने का हमारा कंटिन्यू सेलिब्रेशन रहेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी यही कोशिश जो हमारी ऑफबीट डेस्टिनेशन है रूरल टूरिज्म जो है वहाँ पे काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग होती है, तो हमारी जो हमारा प्लान है कि उन जगहों पे भी हम फेस्टिवल्स करेंगे ताकि हमारे जो टूरिस्ट्स बाहर से आते हैं, मुल्क के डिफरेंट कोनों से आते हैं, वर्ल्ड से आते हैं, दे शुड नो यहाँ पे सिर्फ एक ही सीज़न है, हर सीज़न में जो है खासतौर से स्प्रिंग सीज़न एक बहुत ही अच्छा एक सीज़न जो है उनके लिए देखने को मिलेगा और वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस हमारा जो ट्यूलिप जो बाग है यहाँ पे गुरेलाला वो वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देता है क्योंकि ये जबरन हिल्स के जो है बैकड्रॉप में है और डल झील के किनारे पे है। इस तरीके के नज़ारा जो आपको कोई भी टूरिस्ट हो उसको दुनिया में कहीं देखने को काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग होती है, तो हमारी जो हमारा प्लान है कि उन जगहों पे भी हम फेस्टिवल्स करेंगे ताकि हमारे जो टूरिस्ट्स बाहर से आते हैं, मुल्क के डिफरेंट कोनों से आते हैं, वर्ल्ड से आते हैं, दे शुड नो यहाँ पे सिर्फ एक ही सीज़न है, हर सीज़न में जो है खासतौर से स्प्रिंग सीज़न एक बहुत ही अच्छा एक सीज़न जो है उनके लिए देखने को मिलेगा और वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस हमारा जो ट्यूलिप जो बाग है यहाँ पे गुरेलाला वो वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देता है क्योंकि ये जबरन हिल्स के जो है बैकड्रॉप में है और डल झील के किनारे पे है। इस तरीके के नज़ारा जो आपको कोई भी टूरिस्ट हो उसको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों के चलते जो है हम स्प्रिंग सीजन को भी अच्छी तरीके से टैप कर पाएंगे और अच्छा सा अच्छा टूरिज्म जो है। सर आखिर में ये जानना चाहता हूँ इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो रिज्यूम हो गई है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है टूरिज्म को कि इस साल कितने टूरिस्ट और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो कितने? देखिए मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है टूरिज्म के हवाले से भी और ओवरऑल हमारी यही दुआ होगी कोविड जल्द से जल्द दुनिया से ख़त्म हो जाए ताकि जिस तरीके से नॉर्मल लाइफ गुजारते थे और टूरिज्म का खासतौर से जहाँ तक सेक्टर है ये इंटरनेशनल टूरिज्म जो है कश्मीर की एक मेन अट्रैक्शन रही है, बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आते हैं और अगर आप देखेंगे पिछले 2 ही महीनों में कम से कम 4,000 के करीब यहाँ फॉरेन टूरिस्ट भी आ चुका है। अगरचे अभी रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म नहीं हुई थी लेकिन लकीली कल से रेस्ट्रिक्शंस खत्म हुई है। हमने इससे पहले भी दुबई में जो है वो एक रोड शो किया है, अगर वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का है लेकिन हमने खुद भी B2B किया है। इसके अलावा ऑनरेबल LG साहब की तरफ से भी कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए और अभी हाजिर रिसेंटली आपने देखा कि दुबई से भी एक डेलीगेशन आया था। इसके अलावा जो हमारा सेंट्रल एशियन जो हमारे ये कंट्रीज़ है या वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं इसी तरीके से जो हमारे बाकी मुल्कों से लोग ट्रेडिशनली आते रहे यूरोप से खासतौर से काफ़ी अच्छी तैयार हुए हैं, हमारे मुल्क की जो एम्बेसीज़ हैं काउंसलेट्स हैं उन्होंने ऑनलाइन सेशंस वहाँ हमारे टूरिज्म के थ्रू से करे हैं, हम भी उसमें कहीं भी ऑनलाइन शामिल रहे हैं। मुझे उम्मीद है उससे एक अच्छी बात क्रिएट होगी एंड वी शुड एक्सपेक्ट ए गुड सीजन ऑफ डोमेस्टिक।